हाँ जी, तो आज मैं भी फुल एनर्जेटिक मोड में हूँ, थोड़ा सा एनर्जी में रहो ना। हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741, ठीक है? ये आज पूरा हो जाएगा और अगली जो क्लास रहेगी उसमें शुरू करेंगे मशीन। मशीन मतलब डीसी जनरेटर से शुरुआत करेंगे ना। हाँ जी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741 की बात करें तो एम्पलीफायर क्या होता है, सभी को पता है क्या होता है एम्पलीफायर? एम्पलीफायर सिग्नल का प्रवर्धन करने वाला। एम्पलीफायर की अपनी वर्किंग क्लास से भी थी। तो एम्पलीफायर क्या होता है? सिग्नल का प्रवर्धन करने वाला, सिग्नल को बढ़ाने वाला एम्पलीफायर। ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जो केवल एसी को नहीं डीसी को बढ़ा सकता है। जो सामान्य एम्पलीफायर थे वो किसके लिए काम ले रहे थे? एसी के प्रवर्धन के लिए काम ले रहे थे। और ये ऐसा एम्पलीफायर है जो एसी नहीं डीसी को भी बढ़ा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, साथ साथ ऑपरेशन भी कर सकता है। ऑपरेशन का मतलब चीर फाड़ नहीं, जोड़ बाकी गुणा भाग। ये तो ऑपरेशन का मतलब समझ लो, कैसे चीर फाड़ कर सकता है, ये तो आपत वाला काम है। ऑपरेशन मतलब जोड़ कर सकता है, बाकी कर सकता है, अवकलन कर सकता है, समाकलन कर सकता है, तुलना कर सकता है, जीरो क्रॉसिंग के बारे में पता लगा सकता है, ठीक है? तो ये सारे काम कौन कर सकता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741, ठीक है? तो सबसे पहले करें शुरू, सबसे पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपम, शॉर्ट में लिखते हैं OPAMP, ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741 क्या है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह एक डायरेक्ट कपल्ड, कैसा है कपलिंग? इसमें कौन सी काम में ली गई है? डायरेक्ट कपलिंग। न तो आर सी काम में नहीं ली गई है, न इंपेडेंस काम में, सीधा चला गया एक स्टेज को दूसरी स्टेज से, एक स्टेज को दूसरी स्टेज से कैसे चला गया? सीधा डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है। ध्यान रखना, एक एक शब्द का मतलब है। एम्पलीफायर है जो जो एसी व डीसी दोनों का प्रवर्धन कर सकता है, दोनों का प्रवर्धन कर सकता है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है? एक डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है जो क्या कर सकता है? एसी व डीसी दोनों का प्रवर्धन कर सकता है, तथा गणितीय संक्रियाएं संक्रियाएं कौन कौन सी? जोड़, बाकी, अवकलन। अवकलन गणितीय संक्रिया, ध्यान रखना ना, अवकलन, समाकलन आदि संपन्न कर सकता है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है बच्चों? ऑपरेशनल एम्पलीफायर सबसे पहली बात, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है। इसके अंदर जितनी भी स्टेज होती है ना, वो सीधी एक दूसरे से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। और ये गणितीय संक्रिया है, जैसे कि जोड़ है, बाकी है, अवकलन है, समाकलन है, आदि सभी संक्रियाओं को क्या कर सकता है? कौन कर सकता है? पॉइंट क्लियर? कोई डाउट? एम्पलीफायर समझते होंगे, प्रवर्धन करने वाला। ये इसकी विशेष बात क्या चीज है, देखो इसका विशेष लिख देता हूं ताकि आपको दिमाग कम लगाना पड़े। पहली बात तो है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। पहली बात इसमें विशेष कौन सी आ रही है? डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। एग्जाम में पूछिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसा एम्पलीफायर है? डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। दूसरी विशेष बात आ रही है, एसी डीसी प्रवर्धन। एसी डीसी प्रवर्धन दोनों का प्रवर्धन कर सकता है। और तीसरी विशेष बात क्या आ रही है? गणितीय संक्रिया। कौन सी? गणितीय संक्रिया, अर्थमेटिक ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया है, संपन्न कर सकता। ये तीन इसमें विशेष बात आई। अब मैंने जो पहला लाइन लिखा ना, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर,
ये डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर क्यों लिखा है इसको समझेंगे। चले आगे, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मुख्य बात, ऑप एम्प के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, देखो ऑपरेशन एम्पलीफायर में चार भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं चार, मैं इंसर्ट कर लेता हूं, देखना भाई गौर से देखना, चार भाग होते हैं। सबसे पहले एक एक चीज को देखना है, इनपुट कितने होते हैं दो, तो नाम हो गया ड्यूल इनपुट, दो इनपुट है इसका मतलब ड्यूल इनपुट, पहले ब्लॉक में आउटपुट कितने हैं दो, तो बैलेंस्ड आउटपुट, ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, और जब भी दो इनपुट वाला एम्पलीफायर होता है उसको कहते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पहला ब्लॉक इनपुट स्टेज क्या है, ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो सबसे पहला ब्लॉक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मैं इधर मार्क कर देता हूं, ओपन ब्लॉक, ओपन ब्लॉक में सबसे पहला ब्लॉक आता है इनपुट ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, इनपुट ब्लॉक, जो इनपुट दिया जाता है वो कैसा एम्पलीफायर होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये दो इनपुट है तो क्या हो गया ड्यूल इनपुट, दो ही आउटपुट है इसका मतलब क्या हो गया बैलेंस्ड आउटपुट, ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट, और दो इनपुट वाला एम्पलीफायर को क्या कहते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सीधा ही, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट ब्लॉक क्या होता है, तो ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, पहला ब्लॉक हो गया, पहला ब्लॉक का नाम क्या है, दो इनपुट है दो ही आउटपुट है, तो ड्यूल इनपुट दो आउटपुट मतलब बैलेंस्ड आउटपुट, और दो इनपुट वाले एम्पलीफायर क्या कहते हैं डिफरेंशियल, क्लियर। दूसरा ब्लॉक क्लास में याद कर लेना, दूसरा ब्लॉक जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेज, क्या कहते हैं, अब ये क्या है इसमें इनपुट कितने हैं दो, तो ड्यूल इनपुट एक आउटपुट है इसका मतलब अनबैलेंस्ड आउटपुट, कौन सा अनबैलेंस्ड आउटपुट, और डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ही है तो वो दिक्कत ही नहीं है, यानी कि सेकंड ब्लॉक कौन सा होगा इंटरमीडिएट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक कौन सा होगा इंटरमीडिएट ब्लॉक, और इंटरमीडिएट ब्लॉक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों ध्यान से, कितने इनपुट है दो, तो ड्यूल इनपुट आउटपुट कितना है एक है, तो क्या हो जाएगा अनबैलेंस्ड आउटपुट, और दो इनपुट वाले एम्पलीफायर को क्या कहते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर, समझ में आ गई बात। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की दूसरी स्टेज कौन सी होती है इंटरमीडिएट स्टेज, इसमें क्या होता है ड्यूल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल है। तीसरी जो स्टेज आती है उसका नाम है नेवल शिफ्टिंग स्टेज, इसमें एक ही इनपुट है यानी ड्यूल इनपुट होता है, दूसरा यहां पर होता है एमिटर फॉलोवर होता है विथ कांस्टेंट करंट सोर्स, क्या होता है एमिटर फॉलोवर होता है विथ कांस्टेंट करंट सोर्स, तो तीसरी स्टेज कौन सी होती है, तीसरी स्टेज लेवल शिफ्टिंग स्टेज, तीसरी होती है कौन सी लेवल शिफ्टिंग स्टेज, और ये जो लेवल शिफ्टिंग स्टेज है इसके अंदर क्या होता है एमिटर फॉलोवर विद कांस्टेंट करंट सोर्स, एमिटर फॉलोवर
विथ ए कॉन्स्टेंट करंट सोर्स। सीधा क्वेश्चन आएगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तीसरी स्टेज कौन सी होती है, लेवल शिफ्टिंग स्टेज। और लेवल शिफ्टिंग स्टेज कैसी होती है, एमिटर फॉलोवर विथ कॉन्स्टेंट करंट सोर्स, हो गया। और अंतिम स्टेज आपको दिखाई दे रही होगी आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज कौन सी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। कौन सी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर, ये कौन सी स्टेज होती है। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट स्टेज कौन सी होती है, चौथी स्टेज का नाम है आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज होती कौन सी है, कॉम्प्लीमेंट्री मेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। कौन सी, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। देखो अभी क्लास में याद करना है सारा स्टेज, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कितनी स्टेज होती है, चार। पहली स्टेज ड्यूल इनपुट, दो इनपुट है, बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। दूसरी स्टेज ड्यूल इनपुट इंटरमीडिएट स्टेज है, ड्यूल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तीसरी स्टेज एमिटर फॉलोवर विद कॉन्स्टेंट करंट सोर्स इन लिमिट लेवल शिफ्टिंग स्टेज है। और चौथी आउटपुट स्टेज कौन सी हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। क्लियर है सभी का, कोई डाउट है किसी को, चारों के नाम याद हो गए, यहां से क्वेश्चन आएगा केवल नाम का। और किसी भी स्टेज में कोई आरसी जुड़ा हुआ है, सीधे जुड़ी हुई है ना, तो इसका नाम क्या हो गया, डायरेक्ट कपल्ड। कैसा हो गया, कपलिंग कैसे होगी इसमें, डायरेक्ट कपल्ड। ओके, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपम 741 आईसी। ओपम 741 आईसी, बात करते हैं किसकी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आईसी है उसका नाम क्या है, 741 आईसी। अब मैं सबसे पहले 741 आईसी की इमेज इंसर्ट कर देता हूं। सबसे पहले जो ये आईसी है ना, ये DIL ड्यूल इनलाइन पैकेज आईसी या DIP ड्यूल इनलाइन पैकेज आईसी है, ये वाली आईसी। ये एक मिनट लोड हो जाए इमेज। दूसरे इमेज देते हैं, साफ से इमेज दिख रही है क्या, लोड नहीं हो रही। हाँ जी, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी, ध्यान से देखिएगा भाई। सबसे पहला पॉइंट तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आईसी है ना, ये दो लाइन है, इसमें दो लाइन दिख रही होगी, एक तरफ कितने चार पिन है और एक तरफ कितने पिन है, चार पिन है। तो दो लाइन वाली जो आईसी होती है ड्यूल इन लाइन पैकेज DIP आईसी, कौन सी होती है, DIP ड्यूल इन लाइन पैकेज आईसी, DILIC में बोलते हैं, DIP भी आईसी बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आ गया कि 741 आईसी एक आठ पिन, कितनी पिन है इसमें, आठ पिन DIL या DIP आईसी है। कितने पिन की आईसी है, आठ पिन की DIL
या DIPIC है, ड्यूल इनलाइन पैकेज, ड्यूल इन लाइन पैकेज। DIPIC दिख रही है, कितने पिन है इसमें? 8 पिन है। अब देखो नाम देखना, 741, 7 मतलब 7 पर देंगे प्लस VCC, 4 मतलब 4 पर देंगे माइनस VCC, और एक नंबर को इनपुट ऑफसेट छोड़ा जाता है। अब इसमें काम की जो पिन है ना, वो ध्यान दीजिएगा, काम की पिन एक तो है 7 नंबर, एक नंबर 4 नंबर, एक 2 इन्वर्टिंग इनपुट, 3 नंबर और 6 नंबर आउटपुट। ठीक है, ऑफसेट से भी मतलब नहीं है, नो कनेक्शन से भी मतलब नहीं है। ये पिन जो काम की है, ये पूरी की पूरी 5 पिन काम की है 8 में से। सबसे पहले 7 नंबर पिन पर क्या देंगे, 4 नंबर पे, 2 नंबर पे इन्वर्टिंग इनपुट, 3 नंबर पे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और 6 नंबर पे आउटपुट। बस यही काम की है, बाकी काम की नहीं है। तो 741 में सबसे पहले बात करते हैं पिन डिटेल्स की, बात करते हैं कि कौन कौन सी पिन कहां काम काम में आती है। तो डिटेल्स में सबसे पहली जो आईसी है वो कौन सी है, सॉरी पिन है कौन सी है, पिन नंबर 7, पिन नंबर 7। ध्यान रखिए पिन नंबर 7 क्या होती है, प्लस VCC। ठीक है, कितनी किस वोल्ट तक होती है, 5 से 18 वोल्ट सामान्यतः, सामान्यतः 5 से 18 वोल्ट प्लस VCC सप्लाई दी जाती है। ओके, उसके बाद पिन नंबर 4 कौन सी होगी, पिन नंबर 4, पिन नंबर चार क्या होती है, माइनस VCC। और इसमें क्या करते हैं, सामान्यतः कितनी, सामान्यतः माइनस 5 से माइनस 18 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते हैं। ध्यान बताता हूं मैं आपको, अधिकतर 12 वोल्ट से जोड़ते हैं, अधिकतर किसे जोड़ते हैं, 12 वोल्ट। ठीक है, हाँ जी, प्लस VCC और माइनस VCC हो गया। उसके बाद पिन नंबर 3 कौन सी आती है, इन्वर्टिंग इनपुट, सॉरी पहले पिन नंबर 2 ले लें क्या, पिन नंबर दो कौन सी आती है, इन्वर्टिंग इनपुट, पिन नंबर 2 ले लेते हैं, इन्वर्टिंग इनपुट। इन्वर्टिंग इनपुट का मतलब होता है इस पिन पर दिया गया वोल्टेज 180 डिग्री कलांतर उत्पन्न होकर आउटपुट पर मिलता है, कितना कलांतर, परिवर्तन के बाद 180 डिग्री कलांतर पे आउटपुट प्राप्त होता है। तो इन्वर्टिंग का मतलब समझ गए होंगे, इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, उल्टा करना, तो उल्टा करने का मतलब कितने का कलांतर, 180। तो ऐसा कह सकते हैं इस पिन पर दिए गए वोल्टेज का 180 डिग्री कलांतर पर आउटपुट प्राप्त होता है। परिवर्तन के साथ साथ कितने डिग्री कलांतर पर आउटपुट प्राप्त होता है, 180 डिग्री कलांतर पर आउटपुट। अगर पिन नंबर 3 पर जो भी आप सिग्नल दोगे ना, उसमें कितना कलांतर उत्पन्न हो जाएगा, पिन नंबर दो पे जो भी सिग्नल दोगे ना, उसमें कितना कलांतर उत्पन्न हो जाएगा, 180। परिवर्तन तो मिलेगा 180 डिग्री कलांतर उत्पन्न हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है, चले आगे। और पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, पिन नंबर 3
क्या हो गया? वापस जल्दी कीजिए। हाँ जी, हो गया सभी का। अब देखिए पिन नंबर 3, नॉन इनवर्टिंग इनपुट। पिन नंबर 3 कौन सा है? नॉन इनवर्टिंग इनवर्टिंग इनपुट। नॉन इनवर्टिंग इनपुट का मतलब है इस पर दिए गए सिग्नल में बिना कलांतर के आउटपुट पर प्राप्त होता है, यानी कि कलांतर नहीं होगा, इन्वर्ट नहीं होगा, सीधा का सीधा परिवर्तित होकर क्या मिलेगा? आउटपुट। तो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का मतलब क्या हुआ? इस इनपुट पर स्थित सिग्नल में बिना कलांतर के परिवर्धित होकर होकर आउटपुट पर प्राप्त होता है, बिना कलांतर के परिवर्धित होकर कहां मिलता है? आउटपुट पर। मतलब कोई कलांतर उत्पन्न नहीं होगा, जैसा इनपुट पर है वैसा ही कहां मिलेगा? आउटपुट पर, उसमें कोई प्रकार का कलांतर उत्पन्न नहीं होगा। उसके बाद है पिन नंबर 5, कलांतर कैसे होता है? कलांतर मतलब अगर आप कॉमन एमिटर कहां मिलोगे तो क्या मिलेगा? 180 डिग्री का कलांतर मिलेगा। ठीक है, कलांतर होता कैसे है देखिएगा बच्चों। एक बार बच्चे का क्वेश्चन, कलांतर कितना क्या होता है ये? जैसे एक मिनट, ये आपका सिग्नल है इनपुट का, ये इनपुट सिग्नल है, ये आउटपुट सिग्नल, दो बना रहा हूं मैं ना। देखो बच्चों, ये अगर इनपुट आपका है, ये है इनपुट, अगर आउटपुट ऐसा मिल जाए समझ में आई बात? ऊपर वाले का क्या उल्टा, ये जो आउटपुट है ये कितने डिग्री के कलांतर पे है? तो ये तो कौन सा आउटपुट है? इन्वर्टेड आउटपुट, इन्वर्टेड। कैसा आउटपुट है? इनवर्टेड आउटपुट। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये कैसा आउटपुट हो गया? इनवर्टेड आउटपुट। पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलें आगे। इसके बाद वापस देखिए, इसके बाद पिन नंबर 6 आती है किसके लिए? आउटपुट के लिए। पिन नंबर छह आती है आउटपुट के लिए। तो ऐसा कह सकते हैं इससे आउटपुट लिया जाता है, इस पिन से आउटपुट सिग्नल प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है।
इस पिन से क्या करते हैं, आउटपुट सिग्नल को प्राप्त किया है। इसके बाद पिन नंबर एक कोने देते हैं, आठ नंबर पिन जो क्या करते हैं, नील छोड़ते, कुछ नहीं करते, नो कनेक्शन। पिन नंबर आठ कौन सी होगी, नो कनेक्शन। पिन नंबर आठ ध्यान रखना, एनसी, एनसी का मतलब है नो कनेक्शन। और पिन नंबर एक और पांच ऑफसेटनल, नो कनेक्शन। और पिन नंबर एक और पांच होती है ऑफसेटनल, इनका प्रयोग नहीं करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पिन नंबर एक और पांच ये होती है इनपुट ऑफसेट। दिख रहा होगा आपको ऑफसेट इनपुट या इनपुट ऑफसेट के नाम से इनको जाना जाता है, पिन नंबर एक और पांच। ओके, ये आठ पिन है, काम को आगे कौन सी, पिन नंबर सात पे क्या देंगे, प्लस विशेष। चार पे, पिन नंबर दो पे इन्वर्टिंग, जिसको उल्टा करना हो वो को इनपुट देंगे। पिन नंबर तीन पे नॉन इन्वर्टिंग, पिन नंबर छह पे, पिन नंबर आठ पे नो कनेक्शन, पिन नंबर एक और पांच पे इनपुट ऑप्शन। क्लियर हो गया, अब बात करते हैं, सभी का हो गया ना, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी हो गई। अब बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की विशेषताएं, किसकी बात करें, विशेषता। चले आगे, अगला पॉइंट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की विशेषताएं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की विशेषताएं, चार विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे, इनपुट प्रतिरोध, आउटपुट प्रतिरोध, गेन और बैंडविड्थ। किस किसके बारे में, इनपुट प्रतिरोध कारक, आदर्श ऑपम और प्रैक्टिकल ऑपम, इनकी चार विशेषताएं, इनपुट प्रतिरोध, आउटपुट प्रतिरोध, गेन और बैंडविड्थ। कारक, आदर्श ओपम और दूसरा कौन सा, प्रैक्टिकल ओपम। ठीक है, सबसे पहली विशेषता है विशेषता इनपुट प्रतिरोध, इनपुट प्रतिबाधा या इनपुट इंपेडेंस, इनपुट इंपेडेंस। दूसरी विशेषता आउटपुट इंपेडेंस। तीसरी विशेषता गेन और चौथी विशेषता बैंडविड्थ। बताइए भाई क्या क्या होगी, एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका इनपुट प्रतिरोध, एक बच्चा क्लास चेक करना भाई, क्लास चेक करना है बच्चों की, हाँ जी हो गया क्या, चल दिए ना, हाँ जी। आदर्श ऑफ एम्पलीफायर है इसका इनपुट प्रतिरोध कितना होता है, इनपुट प्रतिबाधा कितनी होती है, अनंत ओम। और प्रैक्टिकल जो होगा इसकी इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है, उच्च, कितनी होती है, एक मेगा ओम से ज्यादा। ओके, उसके बाद आउटपुट प्रतिबाधा इसकी कितनी होती है, जीरो, कितनी होती है, निम्न, निम्न कितनी, 100 ओम से कम। अब इसका गेन कितना होता है, आदर्श एम्पलीफायर का गेन कितना होता है, अनंत। आदर्श एम्पलीफायर का गेन कितना होता है,
आनंद। और एक अच्छा एम्पलीफायर है उसका गेन कितना होता है, 200,000 से अधिक, कितना होता है, उच्च होता है, और कितना, 200,000 से अधिक। उसके बाद बात आती है बैंडविड्थ, बैंडविड्थ आदर्श की बैंडविड्थ कितनी होती है, अनंत, और इसकी होती है उच्च, 100 किलोहर्ट्ज़ से ज्यादा। बैंडविड्थ कितनी होती है, 100 किलोहर्ट्ज़ से ज्यादा होती है। तो एक आदर्श ऑप एम्प और प्रैक्टिकल ऑप एम्प में क्या अंतर है, आदर्श ऑप एम्प की इनपुट इंपेडेंस अनंत और प्रैक्टिकल ऑप एम्प की इनपुट इंपेडेंस उच्च होती है, 1 मेगा ओम से ज्यादा। आदर्श की आउटपुट इंपेडेंस 0, प्रैक्टिकल की निम्न होती है, कितनी, 100 ओम से कम। आदर्श का गेन कितना होता है, अनंत, और प्रैक्टिकल का कितना होता है, 200,000 से अधिक। आदर्श की बैंडविड्थ भी अनंत और प्रैक्टिकल की कितनी होती है, 100 किलोहर्ट्ज़ से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब अगला पॉइंट आता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का उपयोग, सॉरी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग। ये क्लियर हो गया, सीधा याद रखना है, लगाना है ना। हो गया। इसके बाद पॉइंट आता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग, उपयोग की जगह मैं अनुप्रयोग भी लिख रहा हूं, किस किस रूप में काम में लेते हैं। सबसे पहला इसका जो उपयोग है वह है 0 क्रॉसिंग डिटेक्टर। किसके रूप में काम में लेते हैं इसे, 0 क्रॉसिंग डिटेक्टर के रूप में। दूसरा जो इसको इसका उपयोग है वह है इनवर्टिंग एम्पलीफायर, कौन सा एम्पलीफायर, इनवर्टिंग एम्पलीफायर, ऐसा एम्पलीफायर जो सिग्नल का क्या करे, इनवर्ट करे, उल्टा करे। तीसरा इसका उपयोग है नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर। चौथा इसका उपयोग है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, कौन सा एम्पलीफायर, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। पांचवा उपयोग है इसका इनवर्टिंग एम्पलीफायर, अरे इंटीग्रेटर, डिफरेंशियल हो गया, इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर, इंटीग्रल कहते हैं, इंटीग्रल एम्पलीफायर। छठवा ले लीजिए समिंग एम्पलीफायर, समिंग एम्पलीफायर। बच्चों जो सबसे बड़ी जो चीज है ना, इन सबके डायग्राम याद रखें, क्या एग्जाम में आपको डायग्राम देकर ये पूछा जाएगा ये किस की तरह कार्य करता है, बस आज तक के पेपर में यही क्वेश्चन आए हैं, या फिर इनवर्टिंग और नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का गेन ये पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, 0 क्रॉसिंग डिटेक्टर, नाम लिख लिया आपने, 0 क्रॉसिंग डिटेक्टर, इनवर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इंटीग्रल एम्पलीफायर और समिंग एम्पलीफायर। वोल्टेज फॉलोवर भी कह सकते हैं, वोल्टेज फॉलोवर भी होता है इसमें, खूब सारे हैं, वोल्टेज फॉलोवर। हो गया, सबसे पहला करें, शुरू करें, सबसे पहला 0 क्रॉसिंग डिटेक्टर, सबसे पहला उपयोग आता है 0 क्रॉसिंग डिटेक्टर। 0 क्रॉसिंग डिटेक्टर के बारे में इतना याद रख लेना, 0 क्रॉस होने के बारे में बताता है, किसके बारे में, 0 क्रॉस होने के बारे में बताता है, यानी कि जो साइन वेव है उसको स्क्वायर वेव में बदलता है, किसको करता है। तो सबसे मेन चीज ये है 0 क्रॉसिंग डिटेक्टर में,
यह साइन वेव को, यह साइन वेव को स्क्वायर वेव में परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर क्या काम करता है? साइन वेव को किस में चेंज करता है? स्क्वायर वेव में चेंज करने का काम कौन करता है? जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर करता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में किसी प्रकार का कोई फीडबैक प्रयोग नहीं करता। क्या इसमें फीडबैक का प्रयोग नहीं करते? इसमें फीडबैक पर दो चीज ध्यान में रखनी है, अभी डायग्राम दिखा दूंगा, फीडबैक का प्रयोग नहीं करते। पहली चीज तो क्या, ये साइन वेव को किस में चेंज करेगा? स्क्वायर वेव में। दूसरी चीज, इसमें किसी प्रकार का कोई फीडबैक प्रयोग नहीं किया जाता। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में किसी प्रकार का कोई फीडबैक नहीं होता। दो डायग्राम इसके आपको याद रखने, कितने डायग्राम? दो डायग्राम, मैं दो डायग्राम दिखा देता हूं। एक तो ये वाला डायग्राम, पेपर में जो आता है ना वो डायग्राम ध्यान होना चाहिए, इसमें फीडबैक नहीं होता। मैं काम करता हूं, एक डायग्राम खुद बना देता हूं, दूसरा डायग्राम आपको यहां दिखा दूंगा। पहला डायग्राम तो आप देख लीजिए, मैं बना देता हूं। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर क्या है? ये इस प्रकार का परिपथ होता है, सिंपल डायग्राम, एकदम सिंपल। सेवन फोर वन, ठीक है। इधर से साइन वेव दोगे, तो इधर क्या मिलेगी? स्क्वायर वेव मिलेगी। इधर से साइन वेव दोगे तो इधर स्क्वायर मिलेगी। और ध्यान रखना, ये जो स्क्वायर वेव सिंपल मिल रही है, ये इन्वर्टेड मिलेगी। कैसी मिलेगी? इन्वर्टेड मिलेगी, 180 डिग्री के क्लान करते। साइन वेव किसमें चेंज हो गई? स्क्वायर। अब वहां पर अगर आप परिपथ और लगा देते हो, इन्वर्टिंग परिपथ आगे और लगा देते हो, तो क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सीधी। लेकिन एग्जाम में आपको ये डायग्राम दिया हुआ मिलता है, जिसमें कोई फीडबैक नहीं होता, वो कौन सा होता है? इन्वर्टिंग, सॉरी जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। एग्जाम में आपको ये डायग्राम दिया हुआ मिलेगा, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। बस सारी चीज वही वही है, केवल यहां पर दो डायोड जोड़ दिए। क्या किए? केवल दो डायोड जोड़ दिए, बाकी रजिस्टर तो जुड़ेंगे जुड़ेंगे, दो डायोड जोड़ दिए, तो ये आपके पास कौन सा हो गया? जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। कौन सा हो गया? जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। समझ में आ गई बात? आप चाहो तो इस डायग्राम में भी ऐसा कर सकते हो, क्या कि ये जो साइन वेव है ऐसा बना दो, इसको तो आप जोड़ दो किससे? ग्राउंड से। किसे जोड़ दो? ग्राउंड से। इसके साथ में क्या जोड़ दो? इनपुट। क्या जोड़ोगे? साइन वेव इनपुट। अरे साइन वेव इनपुट जोड़ दी ना, और यहां पर क्या करोगे? यहां पर एक लोड जोड़ दोगे, तो ये आपके पास क्या होगा? इन्वर्टिंग नहीं होगा, नॉन इन्वर्टिंग रह जाएगा इस प्रकार का। क्योंकि अभी आपने जो इनपुट दिया वो किस पे दिया है? पिन नंबर तीन पे दिया है ना, तीन पे दिया है, तो इस प्रकार का मिल जाएगा, ये आपके पास होता है जीरो क्वेश्चन। अब आप चाहो तो यहाँ पे दो डायोड और लगा सकते हो, ये दो डायोड और लगा दिया सुरक्षा के। ये कौन सा है? जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। किसको? इसमें ये माइनस को भी कर सकते हो, प्लस को भी कर सकते हो, उसमें जरूरत नहीं है। अगर माइनस में इनपुट दोगे तो क्या मिलेगा? इन्वर्टेड मिलेगा। प्लस में दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? नॉन इन्वर्टेड मिल जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनपुट किस पे दे रहे हो उसका फर्क पड़ रहा है। समझ में बात? अरे इनपुट माइनस में दोगे तो कितने डिग्री का क्लाइंब मिलेगा? 180। और प्लस में दोगे तो क्या हो जाएगा?
आपका नॉन इन्वर्टिंग मिल जाएगा। स्क्वायर वेव किसे इन्वर्ट होगी? हाँ, स्क्वायर वेव अगर इनपुट पे दोगे तो इन्वर्ट होगी, मिलेगी इसमें, ध्यान रखना, क्योंकि इनपुट किस पे दिया जा रहा है, माइनस पे देंगे। अरे जब भी इनपुट माइनस पे दोगे तो कितने का अंक उत्पन्न होगा, 180 का, वो तो होगा ही होगा, और प्लस में दोगे तो नहीं होगा, इतना ध्यान रखना, क्लियर है? चलो ये हो गया कौन सा जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर डायग्राम, एक बार आंखें खोल के देख लेना, सीधा पेपर में यही टपकता है, डायग्राम देखकर पूछिएगा आपको ये किसका है, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। और ये वाला दिया हुआ होता है जिसमें वो डायोड लगे हुए होते हैं, ये कौन सा होता है, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। और ये बहुत बार आ चुका है पेपर में, एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है। हो गया पहला, डायग्राम बनाओगे, डायग्राम पीडीएफ आ जाएगी वैसे, रफली बना लो, जल्दी बना लो, क्योंकि डायग्राम बहुत सारे हैं, तो अभी 7-8 डायग्राम देखेंगे, एक तो है नहीं। हाँ डायग्राम देखने हैं, ऐसा डायग्राम किसका होता है, पहला हो गया जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का, दूसरा है कौन सा, इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या करेगा, उल्टा करेगा, क्या करेगा, दो नंबर डायग्राम आता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या करेंगे, एक सौ अस्सी डिग्री के कलांतर पर, परवर्धित होकर आउटपुट प्राप्त होता है, 180 डिग्री के कलांतर पर परिवर्तित होकर क्या मिलता है, आउटपुट प्राप्त होता है। पॉइंट क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं इसका डायग्राम, सिर्फ डायग्राम देखना है, बाकी कुछ नहीं करना, नाम है इन्वर्टिंग, तो इनपुट किस पे दोगे, माइनस पर, बस इतना ध्यान रखना, नाम इन्वर्टिंग है तो इनपुट किस पे दोगे, माइनस पर देंगे, और इसमें फीडबैक भी होगा, क्या होगा, इसमें फीडबैक भी होगा, बिना फीडबैक के नहीं बनता, इसमें फीडबैक होगा, उल्टा होकर आउटपुट मिलेगा, उल्टा होकर आउटपुट प्राप्त होगा। एक मिनट, देखिए ये वाला डायग्राम ले लेते हैं, इनपुट किस पे दोगे, माइनस पे दोगे, पहली बात तो फीडबैक रहेगा इसमें, क्या रहेगा इसमें, फीडबैक रहेगा, फीडबैक रहने से फायदा क्या होगा, सिग्नल क्या मिलेगा, सिग्नल का परिवर्तन ज्यादा ना होकर सामान्य परिवर्तन होगा। अब देखो दिख रहा है क्या, ये कौन सा एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग, याद रखने वाली चीजें देख लीजिए, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इनपुट किस पे दिया जा रहा है, माइनस वाले पे इनपुट देंगे, ध्यान दीजिएगा, ये R1 है, ये कौन सा है, फीडबैक प्रतिरोध है, कौन सा है, आप चाहो तो इसको RF भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, RF भी कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें परिवर्धन गुणांक क्या होगा, भाई RF लगा दिया, उसका एक आदर्श एम्पलीफायर का तो परिवर्धन कितना था, अनंत था, अच्छे का कितना था, 2 लाख, और इसका परिवर्धन कितना होगा, परिवर्धन गुणांक, ध्यान रखना, यहां फीडबैक काम में ले लिया तो परिवर्धन गुणांक फीडबैक के आधार पर होगा, परिवर्धन गुणांक ए एफ बराबर होता है माइनस का आर एफ बट्टा आर, परिवर्धन गुणांक कितना हो जाएगा, ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस का चिन्ह क्यों लगाया है, क्योंकि तो इनपुट किस पे दे रहे हैं, माइनस, और आर एफ कौन सा है, फीडबैक प्रतिरोध, आर वन कौन सा है, इनपुट प्रतिरोध, फीडबैक प्रतिरोध में किसका भाग दे देंगे, इनपुट प्रतिरोध का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, परिवर्धन गुणांक आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है, तो इतना याद रखना है, माइनस का आर एफ बटा आर वन। अब इनपुट यहां की बजाय यहां दे दू, इसको ग्राउंड कर दू और इनपुट यहां दे दू, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टिंग की जगह क्या हो जाएगा, नॉन, परिपथ वही रहेगा, इनपुट यहां की बजाय यहां दे दे तो क्या नाम हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर।
अगला आता है अपना कौन सा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, टी नंबर, टी नंबर है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात करें बच्चों, तो केवल और केवल इनपुट की जगह चेंज करेंगे, क्या करेंगे, केवल और केवल इनपुट की जगह चेंज कर देंगे तो कौन सा हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाएगा। ये वाला है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, सिंपल वाला डायग्राम इंसर्ट करूंगा मैं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। जो इन्वर्टिंग वाला है वो का वही कौन सा है, नॉन इन्वर्टिंग। फर्क कितना है, इनपुट कहां पे दे दिया, प्लस पे इनपुट दे दिया, माइनस पे इनपुट नहीं होगा, इनपुट किस पे हो जाएगा, प्लस पे हो जाएगा, इतना ही बदलाव है। ये डायग्राम इंसर्ट करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, ये वाला इंसर्ट कर दो, ये देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, दिख रहा है क्या, सब कुछ वैसा का वैसा, यहां इनपुट की बजाय इनपुट कहां दे दिया, प्लस पे दे दिया। और इसमें परवर्धन गुणांक कितना होगा, परवर्धन गुणांक AF बराबर, अरे उसमें क्या था, और माइनस का चिन्ह था इसलिए माइनस में दे रहे थे तब, अब प्लस पे दे रहे थे कैसे हो जाएगा, प्लस। बस एक बार ध्यान में रख लेना, और बोलने में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है, प्लस का चिन्ह लगा है इसलिए क्या कर दिया, एक प्लस, क्या कर दिया, एक प्लस आर एफ बट्टा आर वन, क्लियर है, क्या करेंगे, एक प्लस आर एफ बट्टा, क्या बदलाव किया इसमें, इनपुट जो यहां था उसको क्या कर दिया, प्लस में कर दिया, बाकी सेम है ना। अब देखो इस परिपथ को तोड़ मरोड़ कर कैसे बनाया जाता है वो देखो, आपको ये डायग्राम नहीं देगा पेपर बनाने वाला, पेपर बनाने वाला ये डायग्राम देगा, आपको ये देगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्या दे दिया, ये लो, समझ में आ रहा है, वो डायग्राम और ये डायग्राम सेम है, बस ओपम जो नीचे प्लस का था उसको घुमा दिया, ऊपर की तरफ क्या दिखा दिया, प्लस, और नीचे की तरफ क्या दिखा दिया, माइनस, सेम है, इसलिए एग्जाम में जब देखता है तो ये वाला डायग्राम देता है कि ये किसका परिपथ है, तो यार ये किसका आ गया, ये था देखा ही नहीं हमने, हमने ऊपर की तरफ फीडबैक देखा था, नीचे की तरफ देखा नहीं, तो ध्यान रखना इसको घुमाया केवल वही डायग्राम है, ये कौन सा एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, कोई दिक्कत, हाँ जी कोई दिक्कत है क्या, इन्वर्टिंग हो गया, नॉन इन्वर्टिंग हो गया, उसके बाद डिफरेंशियल एम्पलीफायर, चार नंबर आता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है, तो ओपन डिफरेंशियल एम्पलीफायर के रूप में काम मिलेंगे ना, तो देखो इस प्रकार से परिपथ होगा, सेम वही रहेगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, परिपथ सेम जो आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ना वैसा का वैसा ही रहेगा, तो डिफरेंशिएटर है, डिफरेंशियल डिफरेंशिएटर देखना आपने को, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, मैंने चार नंबर क्या लिखा है वहां पे, डिफरेंशिएटर लिखा या डिफरेंस डिफरेंशियल लिखा है, एक मिनट, ये डिफरेंशिएटर, डिफरेंशियल नहीं डिफरेंशिएटर,
डिफरेंशिएटर का डायग्राम देखना भाई, इलेक्ट्रोड एक मिनट रुक जाओ ना, ये डिफरेंस देखो, डिफरेंशिएटर में क्या करेंगे, जो R1 था ना, R1 की जगह क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, क्या आ जाएगा R1 की जगह C, बस बाकी सब सेम है। डिफरेंशियल नहीं, डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर, डिफरेंशियल तो अंतर वाला होगा ना, इसको डिफरेंशिएटर, डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर। देखिए बच्चों, डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर में क्या होगा, आर एफ तो जैसा है वैसा का वैसा, जो आर वन है उसकी जगह क्या आ जाएगा सी। यदि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आर वन की जगह सी का संधारित्र जोड़ दे तो वो क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएटर। समझ आ गई बात, क्या बदलाव किया, अरे बदलाव समझ में आ गया, यदि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आर वन के स्थान पर संधारित्र जोड़ दिया जाए तो वह डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर बन जाता है, तो वह क्या बन जाता है, डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर है। अब डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर की कुछ खास चीजें हैं बच्चों को ध्यान रखने वाली बात है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट अगर ज्यावक्रीय है तो आउटपुट भी कैसा होगा, ज्यावक्रीय। इनपुट अगर त्रिभुजाकार है, इनपुट अगर त्रिभुजाकार है तो आउटपुट कैसा होता है, वर्गाकार। इनपुट ज्यावक्रीय तो आउटपुट कैसा, ज्यावक्रीय। इनपुट त्रिभुजाकार है तो आउटपुट कैसा होगा, वर्गाकार। और इनपुट वर्गाकार है तो आउटपुट में क्या होगी, स्पाइक प्राप्त होगी, क्या होगी, स्पाइक प्राप्त होगी, स्पाइक मतलब नो आउटपुट। स्पाइक का मतलब क्या है, कोई आउटपुट नहीं है, स्पाइक्स की मिलेगी भाई, आउटपुट नहीं होगा, क्लियर है। इनपुट अगर ज्यावक है तो आउटपुट क्या मिलेगा, ज्यावक। इनपुट त्रिभुजाकार तो आउटपुट क्या मिलेगा, वर्गाकार। और इनपुट अगर वर्गाकार है तो आउटपुट में क्या मिलेगी, स्पाइक्स। स्पाइक कैसी होती है देखना एक बार, थोड़ा सा सारी तरंगे बना देता हूं, एक स्पाइक नहीं सारी बना देता हूं, बढ़िया रहेगा। त्रिभुजाकार, वर्गाकार, स्पाइक, देखो ये तो कौन सा है, ज्यावक्रीय, कौन सा है, ज्यावक्रीय। ये कौन सा है, त्रिभुजाकार। ये कौन सी है, वर्गाकार। और स्पाइक्स कैसे होते, ध्यान रखना, कुछ नहीं मिला, समझ रही बात क्या, जहां पर जीरो से एक आता है या एक से जीरो आता है वहां पर एक लाइन सी दिखती है, इंपल्स की तरह दिखती है, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता, वो स्पाइक्स के रूप में होते हैं, क्लियर है। ये कौन सा हो गया, डिफरेंशिएटर और एबीसीडी और ई इंटीग्रेटर, ई आपके पास है इंटीग्रेटर,
इनका यूज कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में यूज होता है बेटा। इंटीग्रेटर कंट्रोल सिस्टम में होता है, इंटीग्रेटिंग एम्पलीफायर। अभी तो किसके स्थान पर लगाया था संधारित्र? R1 के स्थान पर। अगर R1 के स्थान पर संधारित्र लगाया तो क्या बन गया? डिफरेंशिएटर। और अगर Rf के स्थान पर लगा दें तो क्या बन जाता है? इंटीग्रेटर बन जाता है। अगर Rf के स्थान पर लगा दें तो क्या बन जाता है? इंटीग्रेटर बन जाता है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में Rf के स्थान पर संधारित्र लगा दें तो क्या बन जाता है? इंटीग्रेटर। इनवर्टिंग एम्पलीफायर में सारा इनवर्टिंग पर ही, इनवर्टिंग एम्पलीफायर में आरएफ के स्थान पर संधारित्र लगाने पर बनता है। संधारित्र लगाने पर निर्माण, आरएफ के स्थान पर संधारित्र लगाने से निर्माण होता है। और इसमें भी ध्यान रखना इनपुट और आउटपुट वाला उल्टा हो जाएगा पिछले वाले का। ज्यावक्री का क्या होगा? ज्यावक्री का क्या होगा? ज्यावक्री। वर्गाकार का क्या हो जाएगा? वर्गाकार का हो जाएगा त्रिभुजाकार, और त्रिभुजाकार का होगा परवलयाकार। परवलयाकार त्रिभुजाकार का रहने दीजिए क्योंकि अजीब सा बनता है, परवलयाकार नहीं होता। ठीक है, ज्यावक्री का ज्यावक्री और वर्गाकार का क्या हो जाता है? त्रिभुजाकार। ज्यावक्री नहीं बदलता, साइन है वो कॉस में, कॉस है साइन में, साइन और कॉस दोनों को क्या कहते हैं? ज्यावक्रीय कहते हैं। साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज हो जाता है, लेकिन दोनों को क्या कहा जाता है? ज्यावक्रीय कहा जाता है। तो कुछ दिक्कत ही नहीं। ए बी सी डी ई एफ आउट में बच गया। समिंग एम्पलीफायर वोल्टेज फॉलोवर। चलिए आगे, सबसे पहले वोल्टेज फॉलोवर ले लेते हैं। समिंग तो कुछ नहीं है, एफ है वोल्टेज फॉलोवर। वोल्टेज फॉलोवर की सबसे बड़ी खास बात होती है इसका इनपुट और आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? समान। किसका? ये लिखे हुए ना परवर्तन गुणांक के फॉर्मूले लिखे हैं, ये पूछ नहीं जाएंगे आपको। ठीक है, हाँ जी, वोल्टेज फॉलोवर की खास बात क्या होती है? इसका इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं? समान। इसका इनपुट व आउटपुट समान होता है। जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट है, तो उसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज फॉलोवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? वोल्टेज फॉलोवर। अब देखो वोल्टेज फॉलोवर में है ना किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इनपुट को ही किससे जोड़ दो? आउटपुट से जोड़ दो, और एक इनपुट अलग से, यह है वोल्टेज फॉलोवर। सिंपल डायग्राम है ये, सिंपल डायग्राम दिखा रहा हूं मैं। ऐसे ऐसे होता नहीं है, रेजिस्टेंस लगना जरूरी होता है। ये है वोल्टेज फॉलोवर। क्या है ये? वोल्टेज फॉलोवर है। दिख गया क्या? इन्वर्टिंग पर क्या दे दिया? सॉरी, इन्वर्टिंग पे दे दिया फीडबैक और नॉन इन्वर्टिंग पे दे दिया इनपुट। बस ऐसा सिंपल सा डायग्राम दिखे, मतलब कौन सा होता है? वोल्टेज फॉलोवर। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता वोल्टेज फॉलोवर। प्रैक्टिकली कैसा होता है वो भी देख लीजिए। ये तो केवल केवल हम समझने के हिसाब से वोल्टेज फॉलोवर ऐसा होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकली वोल्टेज फॉलोवर का डायग्राम है वो ये है। ऐसा इनपुट देंगे सीधा नहीं देंगे, रेजिस्टेंस के द्वारा देंगे। किसके द्वारा लेंगे? नदी होंगे तो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट भी सीधा नहीं लेंगे, लोड पर लेंगे। तो इनपुट और आउटपुट के लिए रेजिस्टेंस होना क्या होता है? जरूरी होता है। लेकिन यहां आप सीधा इनपुट दिखा सकते हो, यहां सीधा आउटपुट दिखा सकते हो। ठीक है,
उसके बाद कौन सा बच गया? समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर समिंग एम्पलीफायर। अरे इनपुट अगर एक एक की बजाय दो चार हो तो क्या हो जाएंगे? जुड़कर मिल जाएंगे। क्या होंगे? जुड़कर मिल जाएंगे। और एम्पलीफायर को क्या बोल दोगे? समिंग एम्पलीफायर। सम का मतलब समझते हो क्या? जोड़। ऐसा एम्पलीफायर जो अनेक सिग्नल का क्या करें? जोड़ करें। क्या कहलाता है? समिंग एम्पलीफायर। अनेक सिग्नल का जोड़ करने वाला, अनेक इनपुट सिग्नल का जोड़ करने वाला, अनेक इनपुट सिग्नल का जोड़ करने वाला जो एम्पलीफायर है उसको क्या कहते हैं? समिंग एम्पलीफायर कहा जाता है। और समिंग एम्पलीफायर ये डायग्राम देख लीजिए, दिख रहा है क्या? इसमें कितने सिग्नल जा रहे हैं? तीन जा रहे हैं ना इनपुट। अरे तीन जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? बस ये कौन सा है? समिंग। अब समिंग में आपके पास देखना भाई गेन कितना होगा, आउटपुट कितना होगा। आउटपुट देखो, पहला आर एफ बटा आर वन, तो पहला हो गया माइनस का आर एफ बटा आर वन, पहला इनपुट। दूसरा, दूसरा क्या होगा? आर एफ बटा माइनस का चिन्ह तो आएगा या आएगा क्योंकि उस पर सिग्नल दिया गया आर टू वी टू। तीसरा आर एफ बटा आर थ्री, इस प्रकार। ओके, और लास्ट इस चैप्टर का पॉइंट आता है सी एम आर आर। जल्दी लिखिए भाई, लास्ट पॉइंट आता है सी एम आर आर, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अरे हो गया क्या? जल्दी कीजिए। आप स्मिथ ट्रिगर और डायग्राम ले सकते हो, एक स्मिथ ट्रिगर और ले लेते हैं। स्मिथ ट्रिगर का एक बार पूछा गया, हाँ जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर भी है, दोनों सेम ही चीज है, थोड़ा सा वो बड़ा ले सकते हो। यस, हो गया। इसके बाद आता है सी एम आर आर, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। सी एम आर आर, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये सी एम एम आर आर, सी एम आर आर क्या होता है? डिफरेंशियल गेन बटा अरे सी एम आर आर क्या होगा? डिफरेंशियल गेन बटा कॉमन मोड गेन। कौन सा गेन? डिफरेंशियल गेन बटा कॉमन मोड गेन, डिफरेंशियल गेन, डिफरेंशियल गेन बट्टा कॉमन मोड गेन। बस ये फॉर्मूला याद रख लेना, सी एम आर आर क्या होता है? एडी बट्टा एसी, डिफरेंशियल गेन बट्टा कॉमन मोड गेन। आदर्श ओपम के लिए कितना होता है ये? आदर्श ओपम के लिए, ओपम के लिए, के लिए सी एम आर आर अनंत होता है। आदर्श ओपम के लिए सी एम एम आर, सी एम आर आर कितना होता है? ओके, ये अपना कौन सा टॉपिक कंप्लीट? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब पानी पी के बैठे, उसके बाद शुरू करते हैं मशीन।